नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में करप्शन का। जी हाँ, आज अपन में वीडियो में जो है भ्रष्टाचार के ऊपर ही बात करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है चैनल अगर लिंक के थ्रू देख रहे हैं या व्हाट्सएप के थ्रू देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम रोज़ अपनी जो विश्लेषण करते हैं, जो राजनीति विश्लेषण है, मुद्दे के विश्लेषण है, हमारे तत्ते साहब है जो लोगों की पोल खोल भी करते हैं, आप तक हम जो है आप तक हम पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और वो वीडियो आपको पहले मिले इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल की ताकत भी बनेगी और हमारे चैनल का आप हिस्सा भी बनेंगे। तब आगे बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सर, जो किशोरी पेडणेकर जो मुंबई के पूर्व महापौर रही हैं, उन्होंने कोरोना काल के दौरान उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो डेड बॉडी के बैग है उसमें जो है करोड़ों के घोटाले हुए हैं। क्या ये इसमें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ किशोरी पेडणेकर का है या जो पैसे कहाँ गए हैं इसके भी जांच होनी चाहिए। अभी ईडी ने जो है 6 घंटे की पूछताछ की है, उन्होंने क्या जवाब दिया है, क्या सवाल किया है, ये तो अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये भ्रष्टाचार का तार जो है हायर लेवल तक नहीं गया होगा। नहीं सर, इसमें कैसा है ना कि किशोरी पेडणेकर ने अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है जी। उनको इनके गुट में ही रहना है उद्धव के, और वहीं से चुनाव भी लड़ना है कॉरपोरेशन का। तो किसी भी हालत में वो ईडी को ये नहीं बताएगी कि उन्होंने जो पैसा लिया किसको दिया जी। मगर सब जानते हैं सर कि उनका गॉडफादर कौन है जी, पूरे शिवसेना के जो पैसे खाते हैं लोग। तो जाधव ने तो बोल दिया था स्टैंडिंग का कि 9,000 करोड़ मैंने दिए वगैरह वगैरह। तो ये अभी किशोरी पेडणेकर क्या है ना, छोटी बेचारी चिमनी है, असल में गिदड़ जो है वो है उदोड़ा जो खाता है सब नोच के खाता है वो गिदड़ है उदोड़ा करे। उसने ये चिमनी से भी जो कुछ ट्रांसफर हुआ है वो सब खा लिया उसने। अभी उसको हाथ नहीं लगाना गवर्नमेंट की पॉलिसी है जी, उसको हाथ नहीं लगाना है वो उनको। नहीं तो कभी क्यों उठाते थे उसको, क्यों नहीं उठाते। नहीं, उनका पॉलिसी है कि जब तुम सत्ता में आओगे तब तुम फडणवीस शिंदे और अजीत दादा को मत उठाओ। हो नहीं, ऐसा सिस्टम बन चुका है, सिस्टम मतलब भ्रष्टाचार का सिस्टम है कि जो मुंडे गॉडफादर रहेगा उसका नाम नहीं लिया। मुंडे और इन्होंने तो बोला था कि भाई आमच्याकडे ट्रक भरून पुरावे आहेत, आम्ही सत्तेवर आलो तर शरद पवारांना हे करू ते करू जेलमध्ये चालू। सर ट्रक छोड़ो, स्कूटर के डिक्की में बैठेंगे, इतने भी पुरावे मुंडे साहब ने दिए नहीं ना, क्यों नहीं दिए, क्योंकि एक दूसरे को संभालना है कि बाद में उनके ऊपर भी अभी पंकजा के ऊपर भी आरोप हुए जी। तो वो ऐसा है कि आरोप करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, थोड़ा सा धमकी देते हैं, धमकी के वसात अगर वो इधर उधर करते हैं तो भी अच्छा रहता है। एक तो बदनामी करना ही आजकल मेन है जी। संजय जो बोलता है उसमें तथ्य है नहीं है, कोई बात नहीं है, बदनामी करना है। और बदनामी लोगों तक पहुंचती कितनी है और उसका असर कितना होता है ये भी जानने लायक चीज़ है। मुझे नहीं लगता है, लोग भी अभी शाने हो गए, उनको लगता है ये एक दूसरे को गाली देते ही रहते हैं। तो इसमें तथ्य है नहीं है, कौन जाने। मगर शिवसेना ने पैसा खाया कि नहीं, इसका उत्तर ये है कि खाया जी, और दिया भी, और दिया सबने। अभी जो मंत्रिमंडल में है शिवसेना के वो भी बोलते हैं ना कि हमने इतना करोड़ दिया। तो वो क्या कहाँ से दिया, ठीक है इन्होंने लिया करके वो बोलते नहीं ना जी। कि भाई उसको दिया बोलेंगे तो वो बोलेंगे कि तुमने कहाँ से लिया, वो अपनी पोल न खोले करके उनका नहीं बोलते। मगर ये छोटी महापौर वगैरह किशोरी पेडणेकर वगैरह छोटी है, चिमनी है। तो क्या ये महापौर किशोरी पेडणेकर अगर शिंदे के साथ ना आ गई होती तो इनकी ईडी जांच नहीं होती। जाधव की कहाँ आगे बढ़ी, उसका तो सील बील किया था, ये किया था, अभी कुछ जांच भी कुछ नहीं हो रही है। यामिनी जाधव और उसकी कोई जांच नहीं हो रही है, क्यों होगी ना जी। आगे ना इस पार्टी में वॉशिंग मशीन में धुल गए। हाँ, अजीत दादा की भी नहीं हो रही है, उनके तो सील किए थे जी, बहन के किए थे, बच्चे के किए थे, सबके किए थे, अभी फिर हो गए तो नहीं होती है। तो ऐसी इनकी भी जांच जो है वो अभी तक उद्धव को और आदित्य को जेल में डालने का साहस इनमें नहीं है, क्योंकि वो फिर इनके भी बहुत सारे कारण। सर ये मंत्रिमंडल में ही थे ना जी, जो मंत्री अभी यहाँ पे हैं। हाँ वो तो वहाँ पे भी थे, वो महागढ़ी सरकार थी तो अजीत दादा से लेके सब उनके साथ हैं, जो भी खाना पीना मौज मजा मस्ती हुई है। और भाजपा के साथ पे थे तो भी तो मंत्रिमंडल में थे, कहीं ना कहीं तो थे। हाँ,
तो भड़वीस के पास भी मालूम है इन्होंने क्या किया था। भड़वीस का तो एग्रीमेंट था कि भाई तुम तुम्हारे खाते में जो खाना है खाओ, भाजपा के जो मंत्री है उनके ऊपर मेरा अंकुश रहेगा जी कि खाना है नहीं खाना है कितना खाना है उसका मैं रेशनिंग करूंगा, मगर तुम्हारे लोग कितना अनाप शनाप खाते हैं उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है और मेरे को ध्यान भी नहीं देना है। तो वो चलता रहे, एग्रीमेंट रहता है उनका। तो अभी भी वैसा ही है कि किशोरी पेडणेकर छोटे छोटे लोग हैं, उनको परेशान करके खाली शिवसेना को बदनाम किया जा रहा है, जबकि उन्होंने किया है इसमें कोई डाउट नहीं। जी 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 सर, एक अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, जलगांव का था, जलगांव जिले से हेमंत पाटिल जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो अपने SP के ऊपर, मतलब DCP लेवल का होते हैं SP, संजय बारकुन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं जो SP है कि हमसे उन्होंने पैसा मांगा जमीन खरीदने के लिए। अब जमीन खरीदने के लिए तो 1000-2000 मांगा नहीं रहेगा, वो तो लाखों करोड़ों में होगा। पैसा मांगा नहीं दिया तो उनकी बदली कर दी, और उन्होंने जब उसके वरिष्ठ के ऊपर मतलब कंप्लेन किया तो उनके ऊपर गुनाह भी दाखिल कर दिया। क्या गुनाह दाखिल किया? कुछ किया रहेगा, वो नहीं बताया उन्होंने क्या गुना दाखिल किया, लेकिन वो भी जरूरी है। हाँ, गुना दाखिल कर दिया। तो ये जो आरोप एक पुलिस इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो फेसबुक में वीडियो में आके अगर आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं सच्चाई है, अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, अपने आप को बता रहा है कि मैं देखिए मेरे पैसा मांगा गया मैंने दिया नहीं। सर, इससे बड़ा किस्सा ये है जी, परमवीर सिंह ने जी बोला कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाँ सचिन वाजे के थ्रू मुझे हर महीने 100 करोड़ मिलना चाहिए, ऐसा बोला। मुंबई से, महाराष्ट्र नहीं, खाली मुंबई से सिर्फ। मगर आगे चल के जब उनकी बारी आई बोलने की जी, तो उन्होंने बोला ऐसा मैंने सुना था, मुझे कोई मालूम नहीं है। उसने तो लेटर भी लिखा था, उसमें भी बाद में उसने लेटर ले लिया कि कहीं सुनी बातें थी जी, मेरे पास पुरावा नहीं है, और निकल गया। और वो तो आखिर तक पकड़ा भी नहीं गया। हाँ, तो चंडीगढ़ में आराम से रहा, लोग इधर गप्पे लड़ाते रहे कि उसको पकड़ेंगे इसको पकड़ेंगे, कहाँ पकड़ा उसको? आज भी नहीं पकड़ा गया, नहीं पकड़ेगा ही नहीं ना, क्योंकि वो सर उसको भी आशीर्वाद, जबकि अनिल देशमुख को जेल में डाल दिया एक साल ज्यादा, दो साल कुछ जी गृहमंत्री होते हुए जी। तो अभी गृहमंत्री होते हुए उसको जेल में डाला, 2 साल अंदर रहा, बाहर निकला क्योंकि कोर्ट ने पूछा कि भाई जिस आदमी ने परमवीर सिंह ने आरोप लगाया वो किधर है, वो किधर है? और वो तो बोलता है अभी मैंने सुना था, अभी सुना कहाँ सुने पर वो 2 साल अंदर रह गया। कोर्ट की भी गलती है ना जी जी जी, 2 साल अंदर रख दिया और बाद में बोलता है कोर्ट कि अरे इसने तो सुना था। सर जिस तरह से तो अभी परमवीर सिंह अगर आरोप लगा सकता है तो इंस्पेक्टर भी लगा सकता है। देखो लफड़ा हो गया तो कोई भी आरोप लगता है, लेकिन सर ये कोई नई बात तो है नहीं। आप किसी मुसीबत में पड़ जाओ और क्या आपके ऊपर अगर FIR होनी है तो आप तो यही बोलेंगे ना ले दे के लफड़ा दफा करो, लेकिन ले दे के क्या? पहले सर हजारों में होते थे, लाखों में होते थे, अब करोड़ों में आ गया ये मैटर। को मैटर कितना बड़ा है सर? देखो कोई भी मैटर जो है ना उसमें एक धागा ऐसा रहता है जी कि करप्शन जो है वो 25-35-40% तक रहता है। अगर 1 करोड़ का गाफले का मामला है जी तो 25 लाख मांगते हैं उसको, 1 लाख का मामला है तो 15-20 हजार मांगते हैं। अभी मामले भी बड़े होते हैं तो बड़ा पैसा मांगते हैं। अब तो मामले बड़े बड़े ही होते हैं, पहले लाखों में करप्शन होते थे। ये इसने बोला, होते थे, इसने बोला तो इसके पास प्रूफ है क्या कि भाई मोबाइल टेप किया है क्या उसने उनका, ये भी पूछना चाहिए ना। तो पेपर वाले भी अभी अपना वीडियो अगर उसने वायरल किया है जांच तो होगी इसकी, डिपार्टमेंट जांच तो होगी ही ना, जांच होगी क्यों नहीं होगी सर? ओके, ये क्या होती है? एक SP के ऊपर आरोप लगा रहा है तो नहीं, कितने SP और DSP और इनके ऊपर रोज तो कोई ना कोई आरोप लगाता ही है। नहीं सर, वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है इसके ऊपर बकायदा, क्योंकि इसमें सरकारी भी बदनामी होती है ना सर, सरकार की बदनामी सर, मंत्री बदनाम हो रहे तो इनके बदनामी का क्या पकड़ रहे आप? मंत्री बदनाम है ना जी, संजय राउत रोज बोलता है ना केक का किस्सा, फिर वो बदनाम है तो बदनाम बदनाम को क्या बदनाम करेगा? तो लेकिन सर इसमें क्या इसका मतलब, इसका अंत क्या है? मतलब कुछ अंत नहीं है सर, दुनिया भर में ये चल रहा है आज, इतनी जो महंगाई बढ़ी है सर। अरे जापान के 5 पंतप्रधान पैसा खाने की वजह से बाहर चले गए, रिजाइन करना पड़ा उनको जी, तो सब जगह है, मतलब सिस्टम बन चुका है इसका, इसका कोई अंत नहीं है, मतलब शिष्टाचार हो गया है, भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार, ऐसा कुछ नहीं। और कहाँ नहीं होता है, धर्म में होता है, सब जगह होता है, संस्थाओं में होता है, शिक्षण संस्था में होता है, सब जगह होता है। खाया है ना ये मिल बांट के खाने में कुछ लफड़ा होता है तो ये ऐसा होता है। मैं अभी आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मैंने बीच में बोला था कि एक आदमी का परिचय मैंने
मंत्री से करवा दिया, और बाद में मुझे मालूम नहीं था, किसी आमदार ने मुझे बोला मिलवाओ करके, मैंने मिलवाया जी। तो बाद में उसके सास ने ये किया उसके ऊपर आरोप कि इसने बलात्कार किया करके, तो मैं घबरा गया। मैं बोला यार, वो आमदार को फोन किया मैंने, मैंने बोला ये क्या बात हो गई, आपने मुझे बोला मिनिस्टर से परिचय करवाओ, मैंने करवाया। अभी कल मिनिस्टर मुझे पूछेगा कि ऐसे आदमी को क्यों लाया, तो जो आमदार थे उन्होंने मुझे बताया कि दो बातें याद रखो, एक तो ऐसा है कि जब आपने मिलवाया तब उसके ऊपर ये आरोप था क्या? नहीं था। नहीं था, इसका मतलब तुमने जब मिलवाया तब वो साफ था। और दूसरी बात ये है कि अभी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है मालूम है कि तुमको? मतलब नहीं, बोले जिस सास ने उसके ऊपर आरोप किया था उसने अभी पुलिस ने एफिडेविट दिया है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, मैंने गुस्से में आकर इसके ऊपर आरोप किया था और हमारा ऐसा कोई झगड़ा नहीं है और ये म्यूचुअली हम लोग विड्रॉ करने के लिए तैयार है, ऐसा एफिडेविट दे दिया। अभी उसने एफिडेविट दिया और क्या चाहिए तुमको? उल्टा है, अगर तुमको वो मंत्री पूछते हैं तो तुम एफिडेविट लेके इसको लेके साथ में जाओ, बोलो ये देखो उसका एफिडेविट, जिस सास ने आरोप किया बलात्कार का उसका एफिडेविट है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन सर सवाल ये है कि कोरोना काल में किए गए इतने बड़े भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है, किसको मानेंगे आप? सर ये इसमें तो ऐसा है कि आज वो अनिल गलगली करके माहिती अधिकार कार्यकर्ता है, उन्होंने बोला ये बातें छोड़ो जी, 4,000 करोड़ का महापालिका हिसाब ही नहीं दे पा रही है। उन्होंने आरटीआई डाला था जी कि ये मामले में कितना है, तो वो बोले 4 डिपार्टमेंट है संबंधित। एक डिपार्टमेंट ने बोला हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, 4,000 खर्चा हुए बराबर है, और कहाँ खर्चा हुए, कैसे खर्चे हुए, किसने किए, इसका जानकारी नहीं, ये हम लोग इनके पास भेजते हैं। फिर इनके पास भेजा, उन्हें बोला 4,000 खर्चा हुए बात सही है, 4,000 करोड़ हाँ, तो हम ये डिपार्टमेंट को डालते, 4 डिपार्टमेंट में घूम के आगे इनको बताया कि आप बोलते वो मामला सही है 4,000 करोड़ का, और हमारे पास ना कोई प्रूफ है ना कोई फाइल है ना कुछ, ये है हमारे इससे 4,000 करोड़ गया है इतना मालूम है, बस इतना मालूम है, मगर कहाँ गया कौन ने किया मालूम नहीं सर। ये अगर हालत है ये कितना मतलब कि सर 4,000 करोड़ मामूली बात है बिल्कुल, 4,000 और राइटिंग में लेटर दे दिया, राइटिंग में दिया 4,000 करोड़ का हम हिसाब नहीं दे सकते, वो अभी 4,000 करोड़ ये तो चिमनी अपनी छोटी छोटी 200-300-500 करोड़ की रहेगी, 4,000 करोड़ महापालिका हिसाब नहीं दे पा रही है, क्या बात करें भाला भ्रष्टाचार। मतलब लोगों के टैक्स के पैसे का किस तरह का हिसाब हो रहा है वो सामने आया है कि 4,000 करोड़ जो हमारे टैक्स का पैसा है उसका हिसाब ही नहीं है, खर्च हुए हैं लेकिन कहाँ खर्च हुए पता नहीं, तो किसी जेब में बोलती है खर्चे हुए वो जेब में खर्च हुए रहेंगे, किधर गए मालूम नहीं हमको, अभी किधर जेब में किसकी जेब में गए कैसे गए वो कौन बताएगा, अभी आयुक्त तो भी नहीं बोल रहे उसके ऊपर कुछ, और आयुक्त तो को भी ये गलगली बेचारा मार खाने वाला आदमी है, ये इसको मार देंगे गलगली को, मैं आज बोलता हूँ इसको अगर प्रोटेक्शन नहीं दिया ना अनिल गलगली मैं जानता हूँ, बड़ा मेरे भी ऑनेस्ट और सेवाव्रति आदमी है, कभी पैसा एक नवा पैसा किसी से लेगा नहीं, ऐसा आदमी है वो जी, और उसको आप बार्गेन नहीं कर सकते, ब्लैकमेल नहीं कर सकते और उसको परचेज भी नहीं कर सकते, एकदम जबरदस्त मिला हूँ मैं जानता हूँ, तो वो ऐसे निकालता रहता है, तो उसको तो मारेंगे अभी आज नहीं तो कल, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए सर, उनको कंप्लेंट करना चाहिए, 4,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा तो कंप्लेंट करना चाहिए ईडी में या ईओडब्ल्यू में। सर उसने कंप्लेंट ही करके ये आरटीआई निकाला, अभी ये आरटीआई के ऊपर वो पुलिस में हाईकोर्ट में जाता है वो कई बार, जब वो निकालता है ना वो ऑनेस्ट है बहुत जी, जब भी ऐसा मामला आता है वो पहले मीडिया को देता है, फिर किसी ने किया पीआईएल वगैरह तो ठीक है ना, तो वो खुद भी करता है करेगा, और कोर्ट में महापालिका भी निर्लज्जता से यही बताएगी कि 4,000 खर्चा हुए कहाँ हुए मालूम नहीं, कोर्ट बोलेगा ऐसे कैसे ढूंढो एक कमेटी नेमो खत्म। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ऐसी तो ये मंत्री ये जो ये इंस्पेक्टर ने जो बोला है और ये बोला है इस मामले में इंस्पेक्टर हेमंत पाटिल, हाँ वो हम मामले में इस मामले में हमारा ओपिनियन देना ही ठीक नहीं है जी, क्या हुआ है उन दोनों में क्या मालूम। सर क्या है ना आजकल ऐसा है कि मैंने आंखों से देखा है, जो जैसे मैंने बोला कि वो सास ने बोला रेप किया जी, वैसा सर जाति का दुरुपयोग स्त्री होने का दुरुपयोग करके कितने केसेस होते हैं, अभी भाड़े करो और मालिक का झगड़ा हुआ कल ही मैंने देखा, तो वो जो औरत थी उसने मेरे सामने नगर सेवक को बोला
कि वो हर साल 10% भाड़ा बढ़ा के देता है, बढ़ा के लेता है, ये कहता है अभी हमारी परिस्थिति नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। उसको बोला जितना है उतना हम देंगे वगैरह, तो मालिक बोला कि ऐसा नहीं है, हम एग्रीमेंट किए हुए हैं, इसको देना चाहिए। तो बाद में वो नगर सेवक को उसने फ़ोन किया, बोले हम घर वापस आए तो उसने मेरे कपड़े फाड़ के बलात्कार का कोशिश किया, विनय भंग किया, बलात्कार नहीं बने विनय भंग। उसका दुर्दैव ऐसा कि जब उसने बोला कि घर आके ये हुआ, तब तक वो मालिक ही इसके सामने बैठा था, उसको मालूम नहीं था, उसके साथ वो बाहर निकला फिर अंदर आया इसको मिलने के लिए, तो उसको मालूम नहीं था। तो उसने उसको बोला कि आप ताई बोल रही है कपड़े फाड़ दिए, बलात्कार का कोशिश किया, विनय भंग किया, कितने बजे किया? बोले नहीं आपके यहाँ से हम दोनों निकले, उसके बाद आधा घंटे में पहुंचे, फिर उसने वाद विवाद शुरू किया। वो बोले अभी तक मेरे सामने बैठे है, तो उसने फोन कर दिया। मैं सर एक संगठन में काम करता था, तो मैं देखा था कि एक कामगार यूनियन था, तो वो कामगार यूनियन में एक लड़की थी, वो दलित थी, अपंग थी और लड़की भी थी, ऐसी तीन बातें थी। तो मैंने वो यूनियन लीडर को पूछा कि मैं दाद देता हूँ तुमको कि इस लड़की को तुमने नौकरी दी है और पगार भी अच्छा खासा देते हैं, और आने जाने के लिए उसके तुमने रिक्शा की व्यवस्था की है, वो रिक्शा लेके आती है लेके जाती है, कितना अच्छा है तुम। तो मेरा दोस्त था तो वो खुल गया, वो बोला अनिल जी आपको समझ में नहीं आया, हम लोग यूनियन की तरफ से जब झंडा लेके आंदोलन करते हैं तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ तो थोड़ी सी तो धरपकड़ होती है, मारामारी होती है, कुछ धक्का मुक्की तो होती ही होती है। तो बोले इसमें हम क्या करते हैं, ये लड़की को साथ में लेके जाते हैं और जैसे ही गड़बड़ शुरू होती है उसको आगे धकेल देते हैं, फिर वो जो लोग हैं उनके ऊपर तीन खटले बनते हैं, एक तो वो लड़की है तो विनय भंग, वो अपंग है तो वो भी, और वो दलित है एट्रोसिटी, तो वो भी एट्रोसिटी, तो सब अंदर चले जाते हैं, उनको जमीन नहीं मिलता है। ये तो हमारा शस्त्र है, बोला। अरे बाप रे बाप। पर बोला ये हमारी यूनियन में हमने कौन रखा है, सभी यूनियन में हम लोग एक कोई तो दलित हमारा कार्यकर्ता रखते ही है जो तुरंत बोलता है कि मेरे को जातिवाचक शिवी दी, और उसको एट्रोसिटी लगता ही है। पुलिस वालों को भी रख सर, पुलिस वालों का दल जब जाता है ना जी चोरों को पकड़ने, तो कुछ समाज के लोग है विशिष्ट, वो लोग तुरंत अपने कपड़ा फाड़ना शुरू कर देते हैं औरतें, पुलिस बताएगी आपको, उनके अड्डे पर जब पुलिस ये करती है तो खुद के कपड़े फाड़ना शुरू ही कर देती है वो, कि देखो पुलिस ने ये किया। आप ऐसा एक तरफा सुन के नहीं कुछ निर्णय ले सकते, इसमें तो अपने को कुछ मालूम नहीं कहाँ की केस कहाँ का, ये भ्रष्टाचार चल रहा है और सब जगह आम है सर, कमिश्नर की पोस्ट के लिए लोग पैसा देके आते हैं और फिर वसूल करते हैं, तो वसूल किसे करेंगे, इंस्पेक्टर से करेंगे। वाजे भी कहाँ से पैसा दे रहा था ना, नहीं क्या जी, और वाजे के साथ में तो इसने बोला था उद्धव ने महा इसने असेंबली में, वो क्या दहशतवादी नहीं क्या 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 कसाब है ये। हाँ फिर वही वाजे अभी अंदर मर्डर के इसमें। तो सवाल ये उठता है सर कि हम ऐसे लोगों को चुनते हैं, किसको चुने कि जो भ्रष्टाचार ना करें, ऐसा सवाल कोई, मेरे लगता है कि कोई ऐसा कोई पार्टी नहीं हो जिसके ऊपर करप्शन का आरोप नहीं लगा हो। सबके ऊपर, सबके ऊपर जी, ऐसा कोई पार्टी नहीं है। कोई अगर कहे कि हमें दूध का धुला हो मेरे को वोट दो, तो मेरे को लगता है कि ऐसा अगर भ्रष्टाचार के ऊपर अगर इलेक्शन करने जाए कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक अच्छा मेरे ख्याल से कैनेडी का सेंटेंस है, वो बोले कि अगर आपको आपके बाप का पता नहीं है तो आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो जाओ, आपके जो विरोधी है वो आपका बाप का पता भी लगा के दुनिया के सामने लाएंगे। मतलब किसी को नंगा होने का अगर बहुत शौक है, कम से कम अधनंगा, तो वो चिल्लाने के लिए खड़े हो जाए, वो सामने वाले तुरंत ये कर देते हैं, उसमें कोई नहीं है। वो भ्रष्टाचार का आरोप करना आसान है, पूरा अन्ना हजारे ने कुछ सिद्ध कर सके, इतने आरोप किए वो, मनोहर जोशी ने मंत्रियों को सिर्फ आरोप के ऊपर निकाला, क्योंकि उनको निकालना था करके मनोहर जोशी ने सुपारी दी थी अन्ना हजारे को कि भाई इनके नाम लेके तुम करो, मैं निकालता हूँ इनको, आरोप के तौर पे निकाला जी। बाद में तो चौकशी में सब आ गए बात जी, खड़से छोड़ के, खड़से का तो केस चलो जी जी। तो ये तो मतलब ये मामला आपने लिया करके, और किशोरी पेडणेकर का तो मैं उसको बेचारी को मैं माफी करूंगा कि उसने बेचारी ने उसको जो बोला वो किया,
महापौर थी, तो उसको कागज भेजा होगा कि इसके ऊपर साइन करो, क्या होगा तो उसको बताना चाहिए डी सामने कि मैंने क्या किया और कहाँ गए, कहाँ सरकाया आगे। तो उसको रहना है नगर सेवक बनना है कि नहीं बनना है, तो नगर सेवक बनना है। लेकिन अब ईडी सामने जाके छः छः घंटा, और अभी छः घंटा पूछताछ के बाद तो फ्री नहीं होगी, आगे भी पूछताछ होगी, आगे भी पूछताछ होगी, और भी पूछताछ। वो वही बताएगी जो उसको बताया सर। इन दो क्या करता है, जिसको बुलाते हैं ना जी, उसको पहले घर पे बुला लेता है मातोश्री पे। अच्छा। उसके वकील रहते हैं, क्या जवाब देना है। हाँ, वो जवाब पूरा उससे रट लेते हैं। अच्छा। क्योंकि उनको भी मालूम है ईडी वाले क्या सवाल पूछते हैं, तो सब सवालों का जवाब दे देते हैं। वो वही पोपट पुहा जाके बोलते हैं पापा पापा करके, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ये झूठपन रहते हैं जी। मेरे को संजय ने बताया कि ये जब इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, मैं बोला इतना घंटा बिठाते हैं, पब्लिक को छूतिया बनाने का धंधा है। उनको लगता है कि हमने अभी इतने बड़े आदमी को बुलाया जी, कम से कम 8-10 घंटा बिठाया, 12 घंटा बिठाया, तो फिर इसमें आता है कि 12 घंटे। वो अंदर जाने के बाद बोले, एक ऑफिसर आता है, बोलते सब बैठो, चाय कॉफ़ी सैंडविच कुछ खाने के लिए आपको चाहिए तो भेज देता हूँ, आप मांगे तो दे देते हैं। चाय तो लेता ही है हर जी, को टेंशन आता ही है तो चाय तो लेते हैं। फिर एक कोई वो तो फिर निकल जाता है वो रूम से। फिर एक आधा एक घंटे के बाद दूसरा आता है, बोलता है काय तुम्हाला काय सांगायचं असेल तर सांगा। ती व्यक्ती बोलते की नाही मला तुम्ही प्रश्न विचारा मग मी सांगते, बरं ते आमचे दुसरे साहेब आहेत ते येतील तुम्हाला प्रश्न विचारला। फिर तो साहब आता है, वो एक सवाल पूछता है, उससे सुनता है, बोलता है ये इस मामले में ये भी सवाल है, आपको क्या कहना है। फिर वो उसका थोड़ा जवाब दे देती है, बोलते ठीक है अभी दूसरे साहब आएंगे, नहीं तो मैं ही वापिस आऊँगा। फिर और दो घंटे कोई आता ही नहीं है, मतलब 2-4 घंटा ऐसे ही निकल जाते फिर। सर 12 घंटे जब वो बोलते कि हमने उसको ग्रिल किया, या तो मीडिया वाले पागल छापते हैं कि 12 घंटे चौकशी, तो 12 में से तो 11.5 घंटे तो वो कुछ नहीं होता है, बैठे बिठाए रखते हैं जी जी। मैंने भी अनुभव किया, बिठाए रखते हैं, कोई काम नहीं, मतलब काम रहेगा आगे इतना ही नहीं जी। सर मेरे एक बड़ा दोस्त अंदर गया था, मतलब जबानी के लिए, इसके मामले में ईडी के जी, वो उसको 12-13 घंटे रखा। मैं थोड़ा टेंशन में रहा, मैं बोला अरेस्ट बिरेस्ट कर लिया क्या इसको। वो आया बाद में, उसका फ़ोन आया, मैं बोला अरे मैं टीवी पे देख रहा हूँ तू 13 घंटे अंदर है। बोला 13 घंटे में से 13 मिनट भी साले ने बात नहीं की मेरे से। मैं बोला फिर वो बोले देखो आप बड़े स्टार है, वो फिल्म में था स्टार है, आपको हमने अगर 1 घंटे में छोड़ दिया तो मीडिया वाले हमारी बैंड बजाएंगे। बोले कि देखो इतना बड़ा स्टार है, 1 घंटे में गया और वापस आया, सेटिंग करके आ गए, सेटिंग करके आ गया बोलेंगे, नहीं तो बोलेंगे डर गए ईडी से सवाल जवाब किए नहीं। तो बोले आप आराम से खाओ पियो, आपका फोन भी नहीं है आपके पास, गेम खेलो उसके ऊपर, नहीं तो मोबाइल पे बात करो, हम कुछ नहीं करने वाले, हमारे पास कुछ है ही नहीं तुम्हारे को पूछने के लिए, तुम बोलोगे कुछ तो हम पूछेंगे। बोले तुम बैठो इधर 11.5 घंटे। बोला 11.5 घंटे जितने स्टार गए ना अंदर, उनको 8 घंटा 10 घंटा, उसमें से 15-20 मिनट ही इंक्वायरी हुई है, बाकी तो मोबाइल पे ये करते रहे, मैं आऊँ मैं वहाँ आऊँ ये हूँ, काम नहीं करते अंदर। वो नियत है उनकी कि भाई दिखाने का, ये कौन बोलेगा, ये अनिल दत्ती बोलेगा कि भाई ईडी में 13 घंटे बिठाते हैं, उसमें से 1/2 घंटा मुश्किल से बातें होती है, और इनका इनको मालूम रहता है ये क्या जवाब देंगे। इनको साधारणतः वकील ने बोला होता है कि ये सवाल पूछेंगे, कुछ फाइलें विले कभी होगी तो रखते हैं सामने कि भाई इसमें ये क्या है, तो वो बोलता है कि मुझे मालूम नहीं, मुझे याद नहीं। दो ही सवाल का जवाब होता है, मुझे याद नहीं, आधे लोग बोलते हैं मुझे याद नहीं जी, और आधे लोग बोलते हैं कि शायद ऊपर से उस समय मुझे बोला होगा। ऊपर से किसने, वो कैसे मैं बताऊँ, अभी मुझे याद नहीं, ऊपर का भी नाम नहीं मिला, वो तो सेटिंग सिस्टम है सर। ये आप जो नाम लेके बोल रहे हैं ना, ये हेमंत चित्र क्या पाटिल है, हाँ। इसने तो इसमें ये जो है ना, ये कौन DCP SP है, हाँ संजय बारकुन, हाँ वो सीधा आपके ऊपर 100 करोड़ का मुकदमा लगा सकता है। आपके पास प्रूफ क्या है, ये बोला जी, क्या पुरावा है, क्या ये सच बोला, खाली टीवी पे मुलाकात दी, इतना ही हुआ तुम्हें। टीवी पे कोई भी मुलाकात देता है, अभी रास्ते का भिखारी पकड़ो आप, उसको बोलो कि तुम बोलो ये वो बोल देगा, होता है कि नहीं। इसके लिए हम लोग इस मामले में कोई हमारा भाष्य करना नहीं चाहिए कि ये सच है कि झूठ जी, सिद्ध होने दो कोर्ट में, फिर बोलेंगे ना अगर कोर्ट में सिद्ध हुआ तो। ये भी टीवी के साथ गया, इसको बहुत सारे ऑप्शन थे ना जी, वो नहीं गया, इसको होम मिनिस्टर को अप्रोच हो सकता था, वो
वो अभी क्या है ना, सस्पेंशन के लेवल पे रहेगा, तो हुतात्मा बनना चाहता है, ऐसा भी होगा, मगर उसके ऊपर भी अन्याय नहीं करेंगे आप। मगर ऐसा किसी ने मान लो किशोरी पेडणेकर है, वो तुम्हारे कितने शिवसेना के नेता है उनके ऊपर चले। अभी सर अनिल परब अरेस्ट होगा ऐसा मुझे संजय ने बताया कि 1.5 साल हो गए, 1.5 साल पहले अब अनिल परब की ही बारी है। संजय मुझे बोला कि कल ही वो अरेस्ट हो जाएगा, शायद आज भी होगा। अच्छा कौन बोला? संजय राउत। अनिल परब की फ्री है एकदम। हाँ उसको क्या हुआ, उसका वो असिस्टेंट था उसको अरेस्ट किया, उसको कहाँ किया, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, नहीं करता है ना सर वो, इनके आपस में मिली भगत रहती है, बड़े आदमियों को डरा धमका के बुलाते हैं, ये करते हैं, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन करते हैं कि देखो हमने FIR तो इनके ऊपर भी हुआ है ना सर। क्या हाँ हुआ है ना, अनिल परब पे ऊपर, अनिल परब दूसरा जो मगर अरेस्ट हुआ क्या? नहीं ना, क्यों नहीं हुआ, करो ना फिर, नीचे के सब लोगों को अरेस्ट करते, ऊपर वाले को नहीं करते, ये कैसा चलेगा, क्यों नहीं करते हैं जी? उद्योग को, उद्योग का नाम बार बार आ रहा है फिर भी उद्योग को नहीं कर सर, करेंगे ही नहीं उद्योग, अरेस्ट उद्योग होगा नहीं, आदित्य होगा नहीं, कहाँ हो रहे आरोप होते हैं, बीजेपी वालों के ऊपर भी आरोप होते हैं ना, धनंजय मुंडे के ऊपर आरोप हुआ था वो करुणा मुंडे के संदर्भ में, उल्टा वो जेल में गई वो 15-20 दिन जेल में गई, उसको गाड़ी में पुलिस के सामने मीडिया के सामने रिवॉल्वर डाला और आरोप किया कि ये रिवॉल्वर लेके घूमती है, मारने आई थी पुलिस के सामने मीडिया के सामने, फिर भी उसको मंत्री को कुछ नहीं हुआ, उसको ही अंदर रख दिया। ऐसे तो कई है कि जो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, सीधी सी बात है, जिसकी लाठी वगैरह ऐसा कुछ नहीं। अभी सर ये बेवंशाही चल रही है, अभी हुकुमशाही भी नहीं है, बेबंदशाही है, बेबंदशाही कोई भी अपने मन में आए कुछ भी करते हैं सर। पुलिस वाले तो अपने खिस्से में गुटखा लेके ही घूमते हैं, ऐसा जरा थोड़ा सा पतला दुबला आदमी दिखा कि ये कुछ कर नहीं सकेगा और पैसा दिख रहा है इसके पास, तो तुरंत बोलते हैं गाड़ी खोल गाड़ी खोल गाड़ी खोल गाड़ी खोल, सर तो पीछे डिक्की खोल। सर क्या होता है ना, आदमी आगे से डिक्की खोलता है तब तक पुलिस पीछे जाके डिक्की खोलती है, पहले उसमें गांजा डाल दिया, एक ने तो मेरे दोस्त को धमकी दी थी, वो बोला कि तू मेरे को इतना पैसा दे नहीं तो मैं गांजा का पूरी तेरे डिक्की में डाल दूंगा, रात को तेरी गाड़ी बंद रहती है मैं उसमें डाल के रखूंगा फिर पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। इतना आसान हो गया, मतलब पकड़े जाते हैं वो सर। एक बम्बई में बड़ा स्टोर है, उसका मामला मैंने बताया था, तो पुलिस ने बाथरूम में जाके रख दिया, पुलिस को मालूम नहीं था कि उधर ये लगाया है सीसीटीवी, इसके लिए उसने किसे से निकाल के बाकायदा वो रखा, उसको 6 महीना अंदर रखा। वो बार बार पुलिस को बोल रहा था कि इसमें मेरा दोष नहीं है, ये पुलिस का प्लानिंग है और मैं बड़ा आदमी हूँ करके मेरे को 10 करोड़ मांग रहे। बाद में वो वीडियो आ गया तो कोर्ट में पूछा पुलिस को, ये क्या है मामला, आपके लोग रख रहे हैं उधर, तो कह रही पुलिस को क्या कुछ नहीं हुआ, वो बोले नहीं हम हटा रहे थे वहाँ से जज ने भी न्याय किया उन्होंने सर। ठीक है सर, हमारा जो सवाल यही था कि जो भ्रष्टाचार का जो लिंक है, किशोर पेडणेकर को कुछ नहीं, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार का जो लिंक है वो कहाँ कहाँ तक गया रहता है, क्यों गया रहता है, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। सर एक कहानी सुना था छोटी सी कि भ्रष्टाचार जिसको करना है ना वो कहीं पर जाके करता ही है जी। एक राजा था और उसको शिकायतें बहुत गई कि ये जो सरकारी कर्मचारी है बहुत पैसा खाता है और कुछ भी करो उसके डिपार्टमेंट बदली किए फिर भी खाता ही है। तो वो बोला भाई ऐसे इसको काम पे लगाता हूँ कि यह पैसा खा ही नहीं सकेगा। तो प्रधान बोला सर ऐसा नहीं है, आप कुछ भी काम दो वो पैसा खाएगा, जगह बना लेगा वो पैसे का। तो वो बोला नहीं नहीं देख मैं तुमको दिखाता हूँ। तो उसने क्या किया, समुंदर किनारे एक चौकी बनाई और उसको उधर बिठा दिया और बोला तुम ये जो वेव्स आते हैं लाटा क्या बोलते हैं उसको लहरे वो गिनो और नोन करो, इतनी लहरें आई। तो एक महीना हो गया, उसने प्रधान को बोला देखो कैसा काम पे लगा दिया उसको लहरे गिनने के लिए, अभी क्या करेगा। वो बोला अब तक वो 2 करोड़ खा चुका। बोले कैसे, वो बोलता है कि ये लहरे गिनने का सरकारी काम जो है, तुम्हारी बोट जब जाती है यहाँ से वहाँ तो मेरे लहरे गिनने के काम में अड़ता होता है, वो सरकारी काम में अड़ता है, इसके लिए मैं 6 महीना जेल और तुमको 50,000 रुपये कम से कम दंड लगा सकता हूँ, चलो मेरे को कम से कम 25,000 दे दो मैं कुछ नहीं करूँगा। वो पैसा कमा रहा है हर बोट वाले से
तो प्रधानमंत्री प्रधान थे जो उनके, वो बोले कि सर जिसको खाने का है वो खाता ही है, कुछ ना कुछ जरिया अपना बना, कुछ जरिया बनाते हैं जी। सर अब एक ऐसा हो गया कि एक मेरे मित्र है, उनके लड़के ने अपने ऑफिस की एक लड़की को, वो साड़ी बिड़ी पहन के आई थी करके बोला कि अरे आज तो खूब सुंदर दिखती है, तो उसके दिमाग में कुछ उसको ये नहीं प्रमोशन दिया नहीं था वगैरह, गुस्सा था, तो उसने अपसिन बोला मेरे को, ऐसा करके पुलिस स्टेशन थाना में ही जाके बुरा दाखिल किया। तो पुलिस आई तुरंत, लेडीज पुलिस भी आई उसके साथ, तो उसने बोला क्या हो गया, वो बोले तुमने इसको ऐसा गलत अश्लील ये बोला और तुम सुंदर हो क्या मेरे साथ आओगी, ऐसा पूछा। तो बोला ऐसा नहीं हुआ, मैं सुंदर हूँ वो करके बोला उसको, मगर ऐसा नहीं बोला था। बोले नहीं वो मालूम नहीं, तुमको अरेस्ट करना है, चलो अंदर। तो उसके बाप को मालूम पड़ गया, तो बाप का मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैं बोला अभी अगर उनका आपस के कोई झगड़ा है उसकी वजह से तो लड़की को बोलो कि ऐसा मत करो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। तो वो बोला तुम ही आ जाओ उसको बोलो। तो मैंने लड़की को पूछा कि भाई देख, वो मेरे कास्ट की थी, मैं बोला देख तू ब्राह्मण लड़की है इसमें तेरी भी बदनामी होगी, सच में अगर उसने किया है तो तुम चुप मत रहो, मैं साथ में तुम्हारा बाप करके आता हूँ उसको अंदर डालता हूँ मैं, बस शपथ लो कि सही बोला है, भगवान परशुराम की शपथ लो, मैं बोला तुम ब्राह्मण हो और मुझे बोलो कि इसने किया। बोले नहीं। मैं बोला क्यों किया? बोले नहीं मैंने उसके प्रमोशन मांगा था, इसने नहीं दिया था, और तब से मेरे से वो थोड़ा सा अकड़ के ये करता था, तो मौका मिल गया। वो बोला मुझे सुंदर है करके, मगर कॉम्प्लीमेंट्स थे, मगर मैंने उसका उसको सबक सिखाने के लिए किया। तो मैं बोला अभी तुम विड्रॉ कर सकती हो क्या? तो बोले काका तुम्ही म्हणत असाल तुम्ही करते, करून टाक मग उगाचंच हे नको। तर ती म्हणाली पण काका आता एवढी केस बनली, हे बनली वगैरे, जाऊ दे ना हे सगळंच प्रकरण। पोलिसांनी पण म्हटलं काय केलं माहिती का तुला, तुझी केस याच्यात घेतली नाही रजिस्टरमध्ये, त्यांनी एका कागदावर लिहून घेतली आहे आणि तो कागद अजून त्यांच्याकडे आहे आणि ते बार्गेन करतात त्याच्या बापाशी की केस मिटवायची असेल तर आम्हाला मुलीला इतके द्यायला लागतील, पोलीसला इतके द्यायला लागतील, इन्स्पेक्टरला इतके द्यायला लागतील, सिनियरला इतके द्यायला लागतील वगैरे। म्हटलं त्यांनी काही केलेलं नाही, तू मला सांग विड्रॉ करते आपण जाऊ त्यांना सांगू हम जाएंगे और उनको बोल देंगे। तो बोले हाँ ठीक है। तो बोले काका आप तुमचा शब्द मी नाही ऐकणार, वो गई पोलीस के सामने, सीनियर था, वो बोली कि ऐसा ऐसा हुआ वगैरह वगैरह, तो सत्यांतल ने मुझे बोला है तो सच ये है कि ऐसा कुछ वो बोले नहीं, मैंने गुस्से में किया था, अभी विड्रॉ करती हूँ मैं। तो बोले ठीक है जाओ तुम। तो वो गई, मगर वो पुलिस का सीनियर जो था बोला थते साहेब आता तुमचं काम झालं तथे, आता काय आम्ही पुढे फॉलो करत नाही। त्याच्या बापाला सांगितलं की आज तुम्ही इधर बैठो जरा बात करते हैं, पूरा इधर बाल बापला निपटा लेते हैं। अच्छा ठीक है, मी पण गेलो, मैं भी गया वहाँ से। फिर उसका बाप रात को मेरे घर आया, बोला सर उन्हें 25 लाख मांगा है। तो किस चीज़ का 25 लाख? हाँ 25 लाख सीनियर ने। मैं बोला किस चीज़ का? वो बोले वो केस विड्रॉ करने का। मैं बोला विड्रॉ तो वो करके निकल भी गई। नहीं नहीं बोले उसके सिग्नेचर जो थे पहले कंप्लेंट के वो उनके पास है, तो सिग्नेचर भी है, वो गई तो भी ये मामला पेपर में है, पेपर में है। और वे पेपर फाइल किया कि इसको अरेस्ट। बोले 25 मांग रहे। मैं बोला मेरे पास क्यों आए? बोले उनसे बोलो ना कम से कम थोड़ा रीजनेबल हो जाए। उसको मैं ये बोलूँ कि रिजनेबल हो जाए? मैं बोला एक पंटर है मेरा दोस्त, वो ये काम करता है, मैं उसको बोलता हूँ। मैंने उसको फ़ोन किया, अगर लड़की ने विड्रॉ किया फिर भी 25 मांग रहे तो थोड़ा तू बोल। तो बोला कितने तक देने की इसकी तैयारी है? मैं बोला उसको पूछा कितना दोगे? वो बोला 15 तक देता हूँ, रेडी है मेरे पास। तो देते हैं ऐसा, तो 15 दिया उसने सीनियर को। वो बोला बाकी ठीक है, अभी उसके सामने कागज फाट दिया हो गया बेटर है। इसमें किसका, मैं वो लड़की को बाद में बोला किसका फायदा किसका नुकसान हो गया, तेरे को प्रमोशन नहीं देने का, उसको 15 लाख रुपए भरना पड़ा पुलिस में। सर ये रोज हो रहा है जी, जी, ये रोज हो रहा है बिल्कुल। अपना ही जो न्याय काम है उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिस्टम बन चुका है, हर किसी का जो है लगाम किसी न किसी के हाथ में है, और लगाम को क्लियर करने के लिए पैसा। आजकल चोर को पकड़ते हैं ना पुलिस वाले, तो क्या करते हैं ना, उसने कहाँ कहाँ चोरी की इसका पूरा ब्यौरा लेते हैं, उसको बोलते हैं माल कहाँ रखा है,
वो भी लेते हैं पूरा चैन माल, किसको बेचा है पूरा चैन में आ जाता है, किसको बेचा है वो ज्वेलर को ही बेचते हैं। वो जो जिनके यहाँ लेता ना कि अपने दागिने गहन ठेवतो आम्ही क्या दागिन्याचे अगेंस्ट कर्ज वगैरह ऐसे लिखते हैं ना, वो छोटे छोटे दुकानदार जो है उनका मेन उत्पन्न का सोर्स वही है, दुकान में गिराई नहीं रहता, नहीं 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 चोरी आते हैं और अपना ये बेच के जाते हैं, वही उनका प्रॉफिट रहता है ज्यादा करके बहुत सारे लोगों, तो वो नाम दे देता है दुकानदार का डर के मारे पुलिस को, तो पुलिस काम काम आती है उसको, तो फिर वो उसके बाद जाते हैं बोलते हैं इसने तुम्हारा नाम लिया है अभी तुमको आरोपी कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो समझो 10 लाख का चोरी पकड़ा है तो बोलते हैं कि 10 लाख दे दो या सोना दे दो, नहीं सोना नहीं वो तो तुरंत पिघल के ये करते हैं, वो ले लेते हैं सर वो पिघला वस्ती ले लेते हैं। हाँ मगर उसको जितना उसने चोरी का माल लिया है उतना या तो आधा ज्यादा से ज्यादा, मैं बहुत ही कम किया तो आधा पैसा ले लेते हैं। सर एक रात पुलिस कस्टडी में रख के नहीं मारने का, वो नाते हुए उनको खुला बोल देते हैं आज रात इसकी धुलाई करेंगे हम जिसको पकड़ा है, और मिडिल क्लास वाला व्यापारी व्यापारी उसको पुलिस कैसे मारे कांड में डांडू का डाल के मारते, क्या क्या मत करते सर पुलिस कोठड़ी में क्या 3rd डिग्री चलती है इसके बारे में मैं वीडियो करूंगा ना तो खटला हो जाएगा वो बात अलग है, मगर लोग हैरान हो जाएंगे ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सुन उसको मूत्र पीने के लिए मजबूर करते हैं एक दूसरे का, क्या क्या करने को मजबूर करते हैं, 3rd डिग्री मतलब क्या है मैं किसी पुलिस वाले को ही बुला के रिटायर बताऊंगा क्या होता है, मेरे को पूरा उसका डिटेल मालूम है। सो ये डर जाते हैं तो बोलते हैं पुलिस स्टेशन में रख के नहीं मारने का रात का पर नाइट 1 लाख रुपया होगा, और बड़ा आदमी है तो 5 लाख रुपये नहीं मारने का, बोले इसमें रहेंगे कल वो जे इधर हाजिर करेंगे फिर वो सर न्यायालयीन कस्टडी जब मिलती है ना इतना जेल की तो कुछ तकलीफ नहीं है, पुलिस कस्टडी में ही तकलीफ होती है सबको डर, पुलिस का सर कितना भी गुनहगार बड़ा हो ना वो न्यायालयीन कोठड़ी को डरता नहीं है, जुडिशियल वहां भी जेलर विलर तो सब वो दूसरा मामला भी निकल ही रहा है वो ललित पाटिल वगैरह आप देख रहे तो वहां पे टेंशन नहीं रहता, वहां क्या है ना मार्केट है वो खुला मार्केट है, जेल जो है ना वो मार्केट है, पुलिस कोठड़ी मार्केट नहीं होता है, वहां पे सीधा पैसे का सौदा ही होता है कि इतना दो नहीं तो रात को मारेंगे, और सुबह जाके जेल के जज के सामने अगर बोला कि मुझे मारा है इन्होंने वगैरह बहुत कम बोलते हैं, देखो मार खाते हैं मगर बोलते नहीं है, तो वो बोलते ठीक है तू इसको अभी बोलेगा बाद में मेरे पास आएगा ना, और उनका मारने का तरीका अलग होता है सर, प्रूफ नहीं होता वो, नहीं वो काळजी लेते हैं प्रूफ नहीं हो पाता, हाँ प्रूफ नहीं होता, मेडिकल टेस्ट कराएंगे तो बाद में निष्पन्न नहीं होगा कुछ को। सर मेरा एक सर कभी कभी अपने लोगों को ये करना मुश्किल कैसे हो जाता है कि टेप रिकॉर्डर चोरी हो गए गाड़ी का, तो मैं सोचा कि कंप्लेन करके रखते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन में, तो थोड़ी देर के बाद वो मेरे वॉचमैन का भाई आया बहुत घबरा गया था रो रहा था, मैंने बोला क्या हो गया, बोला सब वॉचमैन लोगों को उठा के लेके गए, मैं बोला अपने बिल्डिंग के, मुझे हाँ मैं बोला मगर वो चोरी मुझे तो लगती है कि रोड पर खड़ी थी, बिल्डिंग के अंदर तो थी नहीं गाड़ी रोड पर थी, तो रोड में कोई भी कर सकता है, तो वॉचमैन लोगों को क्यों उठाया, नहीं बोले वो उठाया तो उठाया मगर वो मेरा जो भाई है उसके लिंग को इलेक्ट्रिक के शॉक दे रहे, वो बेचारा मरने को आ गए, वो बोले तू ही ने किया है तेरा चेहरा दिख रहा है ये नर्वस करके उसको लिंग को ये दे रहे शॉक गोटी को, मैं गया उधर पुलिस के पास, मैं बोला आप क्या कर रहे हैं, मैं बोले वो कबूल नहीं करता है, मैं बोला फिर भी इसका कोई लिमिट है क्या, नहीं अगर मरने दो टेप रिकॉर्डर में विड्रॉ करता हूँ केस, ये वॉचमैन है भाई 30 साल से हमारे बिल्डिंग में काम करता है, मुझे मालूम नहीं था कि आप वॉचमैन लोगों को उठाएंगे नहीं तो मैं कंप्लेंट ही नहीं करता था, बोल रहे हमारा यही तरीका है, मैं ऐसा रोज शॉक देते हो अब एक दूसरे को दिया तो बाकी सुधर जाते हैं, ये मेरे सामने घटी हुई कहानी है मेरे संदर्भ में है, अभी कल मेरा कोई बड़ा चोरी हो गया है मुझे मालूम है कौन है चोर, उसको मैंने पूछा तो उन्होंने ना कर दिया, अब मेरे हाथ में मैं खाली एक पुलिस को फ़ोन करके दूँ तो उसको उठाएंगे, और मुझे मालूम है कि उसको अनिल खत्ते का ये चीज़ चोरने के लिए उसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, ये ऐसा मारेंगे कहाँ कहाँ डाल के बाम्बू, अब मेरे को उसके ऊपर तरस आ रहा है कि ठीक है चोरी की है तो की है मैं निकाल दूंगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा, मगर उसको मारेंगे इसका मुझे डर है, मतलब आरोपी को डर नहीं मेरे को ही डर है कि मैं कंप्लेन करूंगा तो मार देंगे, मतलब मारेंगे मतलब मारते नहीं है मगर ऐसा मारते सर, वो पुलिस कस्टडी में जो होता है ना चोर कभी हर एक
अपराधी है ना वो न्यायालयीन कोठड़ी में मजा ही करता है, खुश रहता है जी। उनको पुलिस कोठड़ी का डर लगता है। और दूसरा क्या होता है, शाम 7:30-8 बज गए ना तो सब पुलिस टाइट रहते हैं, सब नहीं बोलेंगे, 90% पुलिस टाइट रहते हैं, ऑफिसर भी टाइट रहते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। सर हम देखते हैं ना कि रास्ते पे कुछ 2 रुपये के लिए झंझट हुआ, उसने उसको भोग दिया, मार दिया 2 रुपये के लिए, फिर वो नशे में रहते हैं, या तो ड्रग की रहते हैं या तो दारू की नशे में। पुलिस पूरा रात को अगर चेक किया ना तो थाना झूमता झूम बराबर झूम शराब ही रहता है, उनको पता नहीं चलता हम मार रहे हैं उसको, कितना लग रहा है और कौन है, किधर का है, क्या है, हम मार उस हालत में बोलो हाँ किया जाए। सर कितने लोग तो वहाँ हाँ बोल देते हैं, डर के मारे, डर के बोलते हैं, फिर निकाल कहाँ पे रखा है, चलो सर कल लेके जाता हूँ आपको। बाद में कोर्ट में वो ना बोल सकता है ना, उसका अलाउड है। सर बहुत गलत सिस्टम है, सिस्टम ही जो करप्ट हो चुका है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार एंटी करप्शन ब्रांच में होता है, जिस लोगों को रेड हैंडेड पकड़ते हैं सर, उसमें से 2% केसेस फाइनल नहीं होती है। जी जी बिल्कुल, 98% केस छुट्टी आपकी एंटी करप्शन की, सबसे सामने पाउडर वाउडर लगा के आप पकड़ते हैं, सब सेटिंग हो जाता है, सेटिंग हो जाता है। सर मेरे भाई ने एक कमिश्नर को पकड़ा था, अभी वो कमिश्नर का डिपार्टमेंट भी नहीं बदलता हूँ, बताता हूँ मैं उनको, उसने पता नहीं लगने दिया कि किसको पकड़ने के लिए मैं बुला रहा हूँ। वो बोला कि मेरे को पैसा मांगा है किसी ने 20 लाख रुपये, मेरा बड़ा बिजनेस है उस समय, हमारा बिजनेस भी बड़ा था, तो उसको मुझे ट्रैप करना है। तो वो बोल रहे थे कौन है कौन है कौन है, तो वो बोला मैं नाम लूँगा तो आप आएंगे नहीं, तो बोले नहीं ठीक है आते हैं, और मेरा पत्रकार है ना तो पत्रकार का भाई है करके दबाव में वो आ गए, तो उनको उसने छुपा दिया वो आने से पहले कि तुम इधर बैठो क्लार्क करके, तुम प्यून करके बैठो, तुम इधर ये करके बैठो, ऐसा पूरा ऑफिस का स्टाफ पिला के उन लोगों को बिठा दिया। वो कमिश्नर आया, पुलिस का नहीं था इतना ही बोलता हूँ, तो आया बैठा, बोला तैयार है कि नहीं पैसा, तो बोला है ना सर, आपने अभी बोला तो आपने कितना बोला था 25, थोड़ा कम लेंगे क्या 20 वगैरह, नहीं नहीं सौदा नहीं करता मैं, आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल, जितना बोला है उतना ही लेता हूँ, ज़्यादा मांग सकता हूँ मैं। बोले किस कारण, मतलब मैंने क्या कोई गलती की है, इलीगल कुछ किया है, इमोरल किया है, इसके लिए आप मुझे ये कर रहे हैं, ये भी एक बार बोल दो कि मेरी गलती क्या है जी। बोले नहीं हमारे डिपार्टमेंट के 100 कानून हैं, हम किधर भी पकड़ सकते हैं आपको, तो ऐसा कुछ नहीं, हम कानून ढूंढ लेंगे बाद में आपको पकड़ने के लिए, मगर मेरे को चाहिए। वो बोला ठीक है, उसने ड्रावर खोला, उसमें पाउडर लगाए हुए वगैरह सब रेडी था, और 25 लाख टेबल पे रख दिए। फिर वो उठाने को उसने 2-5 मिनट लिए, सब रेडी थे उसको उठाने के लिए, 2-5 मिनट में उसने हाथ लगाया, बोला गिरने की ज़रूरत है, तो बोला नहीं सर आपसे घर जाके आप देखेंगे और 25 लाख नहीं होंगे तो यहाँ पे आप मांगने के लिए, आप 1 रुपया भी मांगने के लिए आएंगे, तो सब है। तो उसने उठाया, उसका ब्रीफकेस था, ऐसा उठा के उसमें रखने लगा, तो चारों बजे से बैठे ही थे सब, अटक चलिए नहीं अरेस्ट किया। सुनो ना बड़ी बात ये होती है, मैं भ्रष्टाचार की कहानी क्या होती है बताओ, जो जैसे उसको पकड़ा चारों बाजू से, तो उन्होंने देखा कि ये एक डिपार्टमेंट का कमिश्नर है, तो उनकी फट गई। उन्होंने मेरे भाई के सामने उसको बोला कि सर तुम्ही आहात, आम्हाला माहिती नव्हतं, आम्हाला सांगितलं नव्हतं, आम्हाला त्याने नुसतं सांगितलं की एक ऑफिसर येणार, त्याने पैसे मागितले, त्याला पकडायचं आहे म्हणून आम्ही आलो। अरे सॉरी नाही पकडा सर, पकडा नाही, उनको खाली बोल दिया की सर ये भी जो है ये पत्रकार अनिल तत्ते के भाई है और हमारे ऊपर उनका भी दबाव है करके हम आए हैं, तो अभी एक काम करो आप उनको पैसा लौटा दो और मामला यहीं ख़त्म करते हैं। तो उसने पैसा उसको वापस दिया, बोला अरे का है तुमसे भाऊ आमचे ओळखीचे तो वगैरे थापा पोळ चालू केले, अरे ते मंत्र्यांकडे येतात तेव्हा आम्ही त्यांना भेटलेलो आहे वगैरे वगैरे, असं उलटा हे करणे लगा, तुम्ही मला पकडता म्हणजे काय वगैरे वगैरे। तर मेरा भाई बोला की वो मैं बाकी कुछ नहीं जानता, आपने गलत किया है, आपको सजा मिलेगी। मगर वो उसका फोन आया मुझे, मैं बोला, वो बोला कि कमिश्नर को ही मैंने पकड़ाया है, पहले कल्पना दी थी उसने मुझे कि पकड़ने वाला है करके, तो वो पैसा वापस दे के ये बोल रहा है कि मुझे छोड़ो करके। मैं बोला दो उसको फोन, फोन दिया तो मुझे बोला अरे थत्ते साहब तुम्हें भावाला सांगायला पाहिजे होतं, नहीं तो माला एक फोन करायचा, आप मुझे बोलते तो मैं नहीं जाता था उधर पैसा लेने के लिए, उनको बोलता भी नहीं था। सर मेरी तो तैयारी ऐसी है कि 2500 वापिस दिए, मैं और 25 देता हूँ, मगर उनको बोलो अभी आगे बात
तो मैंने बोला कि ये सिस्टम है, मैं बोला भाई को कि जाने दो। जी 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 सर, ये होता है, ये भ्रष्टाचार का जो दिमाग है हर हर जगह जो जट। मैं मेरी कहानियां हमेशा सुनाता हूँ सर, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सिस्टम कैसे। सर हवालदार जो है रास्ते का जी, उसको पैसा देने के लिए उत्सुक कौन रहता है? हवालदार लेने के लिए जितना उत्सुक होता है उससे ज्यादा देने वाला उत्सुक होता है। तो कहीं ना कहीं जो है जो भ्रष्टाचार जो सर अभी प्रॉब्लम है हवालदार लोगों का ट्रैफिक के, वो ऊपर से आता है ना, चलन आता है, डायरेक्ट आता है, उनका पैसा खाना कम हो गया। परसों एक ट्रैफिक वाला बोल रहा था, बोला सर अभी ऐसा हो गया हमारा जो कमाई था ना वो 10% भी नहीं रहा, सब ऊपर से ही चलता है। हमको बड़ी मुश्किल से माल ट्रक वाले जो रहते हैं उनके बाजू में हम खड़े होते हैं, अभी उनका सिरस्ता है, बोले वो 100 का एक नोट रखते हैं, 500 का रखते हैं, जैसा ये रहेगा, और वो खाली हाथ ऐसा करते हैं, हम उठाते हैं, तो बोले आपके पत्रकार भी हरामी हो गए। मैं बोले क्या हो गया? वो बोले कोने पे खड़े रह के हमारा फोटो निकालते। तो सिस्टम को कैसे सुधारा जाए इसके ऊपर जो है जागरूकता की जरूरत नहीं, लेकिन लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। लोग पैसे लेकिन लोग के लिए उसे मैं कितनी बार देखता हूँ, म्यूनसिपालिटी में लोग जाते हैं तो मुझे कभी कभी कोई पूछता है सर तो ऑफिसर कैसा है? चांगला है तो एकदम मैन ऑफ कैरेक्टर का पड़ मारो मेल हो गई। मतलब अरे क्या मैंने वो अगर पैसा नहीं खाते तो मेरा काम नहीं होगा, पैसा खाता है तो मैं जाता हूँ काम करता हूँ। मैं बोला नहीं, वो चारित्र्य संपन्न है जी, बाहर में गया उसके बाप के पास जाता हूँ। लोगों को चारित्र्य संपन्न अधिकारी पसंद ही नहीं है, उनको पैसे खाने वाला ही चाहिए, खाता नहीं है बोले तो ये होता है। सर मेरा एक दोस्त है, उसने तो खाली कोर्ट में अलग अलग प्रकार के लफड़े करके सेटलमेंट्स करके किसके साथ किए होंगे जानते हैं सर, उसने अभी परसों घर लिया, 5,000 फुट का घर है, इंटीरियर 3 करोड़ का है। सोचो तो सब कहाँ गए, मेहनत कमाई, सिर्फ मेहनत कमाई हो नहीं सकती, सिर्फ खटले में मैनेज करके देने का। तो इसमें लोगों के भी जो काम होते हैं बिना पैसे के, न्याय भी कहाँ मिलेगा? कहाँ न्याय मिलेगा जी? अभी आपस में लोग बोलते ही है ना कि उसने इतना किया, मैंने इतना किया, चलो ये सर ऐसा ही चलेगा और दुनिया भर में चलता है। तो सवाल यही उठता है बार बार कि आखिर में इस भ्रष्टाचार का जो है दीमक कब मरेगा? कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा, ये सवाल आदि का जवाब यही, कभी नहीं मरेगा। क्योंकि आज अगर कोई बिल्डर आगे बिल्डिंग भी बनाता है तो उसमें 50 परमिशन लगते हैं और हर परमिशन में कितने पैसे लगते हैं उसका जो है खामियाजा आम नागरिक और सरकारी अधिकारी कहते हैं ऐसे नहीं, प्राइवेट वाले ये तुम्हारे कार्यकर्ता भी खाते हैं। घर बनाने का एक बिल्डर के पास बैठा था तो वो बोला कि आपके आने से पहले एक नेता आके गए। मैं बोला क्या हो गया? बोले नहीं, वो बोले अभी इलेक्शन पास आ रहे तो हमारी पार्टी को 25,000 रुपया चाहिए। घर का कॉस्ट पड़ता है, मेकिंग कॉस्ट जो है 100 लाख पड़ेगा तो 1 करोड़ रुपया का कॉस्ट है, उधर करप्शन में जाता। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये करप्शन जो है कहीं कहीं महंगाई का सबसे बड़ा जरिया है और ये जो है मेरे ख्याल से कभी ये बंद भी नहीं हो सकता और लोग भी नहीं जो है लोग भी नहीं चाहते क्योंकि आज जो है हर किसी को कार्रवाई भी होती है, पैसा नहीं है वोट, पैसा देकर रफा दफा करना ये भी तो एक करप्शन ही है जी, और लोग ही चाहते हैं वोट। और भ्रष्टाचार के कार्यालय में चले जाइए, एंटी करप्शन में तो आप लिखा है पैसे देने यानी पैसे घिने दोनों ही गुनाह है। मतलब पैसा आप दे रहे हैं वो भी आप गुनेगार हैं, अगर आप सिद्ध होता कि आप पैसा दे रहे हैं तो उल्टा आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। नहीं आपने कंप्लेंट किया तो नहीं होगी, देते हुए पकड़े और परसों एक को पकड़े ना देते हुए। तो इस पर हमारा चर्चा काफी लंबा रहा है आज के वीडियो में, लेकिन आप ये जो है ये चर्चा का कोई निष्पन्न नहीं है। आपको क्या लगता है कुछ मामले पता चले कि ऐसा होता है मगर वो आप भी जानते हैं, तो आपकी क्या प्रक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। सर मैं हम एक शब्द में बोल देता हूँ, ये सिस्टम के सामने आम नागरिक हिजड़ा है, कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद, जय हिंद।